नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन पर राष्ट्रीय शोक। बंद रहे सरकारी कार्यालय, शोक के तहत झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। काफी दिनों से जूझ रहे थे वे कैंसर से। 21 मार्च को मनाया जाएगा रंगों का त्योहार। प्रशासन जुटी तैयारियों में। बिष्टुपुर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। टाटा स्टील जिसको शांति समिति के साथ प्रशासनिक अधिकारी हुए बैठक में शामिल। एमजीएम अस्पताल परिसर में चिकित्सकों को दी गई लेप्रोस्कोपी तथा सर्जिकल स्किल की जानकारी। स्पेशल बस में सवार होकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देश भर में घूम घूम कर चिकित्सकों को दे रहे हैं टिप्स। जमशेदपुर में आदिवासियों का पारंपरिक पर्व सरहुल मनाया गया धूमधाम से। प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हुए जताया गया प्रकृति का आभार। विधायिका मेनका सरदार हुई पूजा में शामिल। अब खबरें विस्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन पर देश में सोमवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी राष्ट्रीय शोक के तहत तमाम सरकारी कार्यालय बंद रहे। वहीं शोक के तहत राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पारिकर वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री थे। इससे पूर्व वे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। काफी दिनों से वे कैंसर से जूझ रहे थे और आखिर 17 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली। आगामी 21 मार्च को होली है और होली को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बिष्टुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनुप बिरथरे, टाटा स्टील, जिसको अधिकारियों के साथ साथ शांति समिति के सभी अधिकारी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। होली शांतिपूर्ण ढंग से कैसे संपन्न हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि होली के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा ताकि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग होली को मना सके। वैसे मंगलवार के दिन फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जो पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। वहीं उपायुक्त ने साफ कह दिया कि होली के दौरान किसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिला स्तरीय शांति समिति की ये बैठक होली के लिए विशेष तौर पर आयोजित की गई थी। अब इसके बाद से हम लोग रामनवमी के लिए भी जो है वो जिला स्तरीय बैठक आहूत करेंगे और उसमें रामनवमी के लेकर के विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मेरी सभी जमशेदपुर वासियों से ये गुजारिश होगी कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लास के साथ जो है वो रंगों का त्यौहार होली को मनाएं और किसी भी तरह से वैसे संदेश, वैसे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर मैसेजेज स्प्रेड करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इससे किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द का वातावरण न बिगड़े। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चुनाव के घोषणा के साथ ही लागू है, तो उसके साथ साथ हम लोग इलेक्शन की जो मॉनिटरिंग टीम है उसको भी लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह से इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल जो है वो इस त्यौहार का न हो और हम लोग इसको लेकर के स्पेशल मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। वहीं एसएसपी ने साफ निर्देश दिया कि होली के दौरान अगर शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए तो जेल जाना तय है, साथ ही लाइसेंस को भी जब्त कर लिया जाएगा। होली को लेकर के जमशेदपुर पुलिस ने बहुत ही मुकम्मल तैयारियां की हैं। हम लोग कल एक फ्लैग मार्च करेंगे पूरे शहर में, जिसमें अर्धसैनिक बल रहेंगे, हमारे QRT की टीम रहेगी, हमारी जो स्पेशल टीयर गैस की टीम और जो रॉयट कंट्रोल जो टीम है वो हमारी रहेंगी। हम लोगों ने होली के लिए अतिरिक्त बल की मांग की थी जो कि हम लोगों को मिला है। 500 से अधिक बल हम लोगों को अतिरिक्त मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। अपने बल के अलावा सारे चौक चौराहों पर आज से ही फोर्स तैनात हो जाएगी और सघन वाहन की चेकिंग इत्यादि की जाएगी। 20 तारीख को होली के एक दिन पहले यानी और 21 को होली के दिन हर चौक चौराहे पर हम लोग ड्रिंकन ड्राइविंग के खिलाफ अभियान चलाएंगे। जो भी व्यक्ति शराब पीकर के गाड़ी चलाएंगे उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा
और उनके लाइसेंस को हम लोग सीज करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे लोग हैं जिनको जो कि शांति व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की है। अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो इसको लेकर के भी लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार की गलत काम किए जाने पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इसके अलावा एक स्पष्ट मैसेज लोगों को दिया गया है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली को मनाएं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में चिकित्सकों को लैप्रोस्कोपिक और सर्जिकल स्किल को किस प्रकार से बेहतर बनाई जा सके इसकी जानकारी दी गई। बता दें, मुंबई से एक स्पेशल बस में सवार होकर विशेषज्ञ पूरे देश में घूम घूम कर चिकित्सकों को लैप्रोस्कोपिक और सर्जिकल स्किल को बेहतर बनाने के टिप्स दे रहे हैं। इसी क्रम में एमजीएम अस्पताल में 2 दिवसीय 18 और 19 मार्च को इन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि इसके प्रशिक्षण के लिए चिकित्सकों को बाहर जाना पड़ता था, पर अब ऐसी व्यवस्था होने से चिकित्सकों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे आसानी से अपने प्रैक्टिस वाले स्थान में लैप्रोस्कोपिक और सर्जिकल स्किल को किस तरह से और बेहतर बनाई जा सके इसकी जानकारी हासिल कर पाएंगे। वहीं बस में एक साथ 16 चिकित्सकों को सारे इक्विपमेंट्स के साथ जानकारी दी गई। इस जानकारी को पाकर चिकित्सक भी काफी उत्साहित दिखे। जो 2 दिनों तक इस कैंपस में रहेगा और जो मेरे इंटर्न्स है और जो सर्जन चिकित्सक हैं उन लोगों को सूचरिंग के संबंध में जानकारी दी जाएगी। और इसमें है कि इतना समय आप लोग दे करके अपना पूरी जानकारी ले लें और सीख लें कि अपने पेरीफेरी में दिक्कत नहीं हो एंडोस्कोपी में या ऐसे सूचरिंग में। मशीन के द्वारा अंदर होता है सर्जरी, तो उसको मशीन के द्वारा सूचरिंग बताया जाएगा। ऐसे ओपन सर्जरी होता है, उसकी सूचरिंग की बात बताई जाएगी। स्किल डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होगा और न्यू कमर को तो मैक्सिमम फायदा होगा, जो एकदम नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आदिवासियों का पारंपरिक पर्व सरहुल जमशेदपुर में पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाई गई। घाघरी इलाके में महिला समिति के द्वारा इसके लिए सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि प्रकृति की रक्षा हेतु इस पूजा को की जाती है। आदिवासी समुदाय की महिलाएं व पुरुष पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर इस पूजा में शामिल होते हैं। घाघरी महिला समिति के द्वारा इसके लिए सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार शामिल हुई। पारंपरिक नृत्य कर अतिथियों का स्वागत इस दौरान किया गया। इसके बाद प्रकृति की पूजा की गई। विधायिका ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा हेतु इस पूजा की शुरुआत की थी और आज तक हम इसका निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही इसके माध्यम से सभी को प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दे रहे हैं। सरहुल पूजा का आयोजन किया है और सरहुल आदिवासियों का परंपरा है। ये पूजा करने के बाद यहाँ से जो नया देवरी गांव का प्रधान और जितने भी गांव के लोग एकत्रित होके इस पूजा में शामिल होते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं। और इस पूजा का एक उद्देश्य है कि हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के आधार पर जो आज परंपरा आदिवासियों का ये समस्या के साथ सांस्कृतिक भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को शुरुआत किया था और आज भी चलते आ रहे हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय में आहूत एक बैठक में बाहरी व्यक्ति के शामिल होने का विरोध प्रखंड के उप प्रमुख ने जताया और बैठक का बहिष्कार करते हुए हंगामा किया। गौरतलब है कि जमशेदपुर प्रखंड इलाके के घोड़ा बांधा इलाके में बन रहे नाले और सड़क के गलत निर्माण के मामले में निष्पादन के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रखंड के उप प्रमुख, मुखिया समेत इंजीनियर और उप विकास आयुक्त शामिल थे। इस दौरान एक बाहरी व्यक्ति जो तथाकथित तौर पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वे भी शामिल हो गए। इसका विरोध उप प्रमुख ने जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया और बैठक में हंगामा करते हुए अपनी कुर्सी से उठ गए। बाद में उप विकास आयुक्त ने उक्त बाहरी व्यक्ति को वहां से हटाया, जिसके बाद बैठक आगे बढ़ी। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तरी घोड़ाबंदा बारी नगर
कि मुख्य रोड में नाली का निर्माण गलत जगह पे कर दिया गया था, उसी का पिछले 10-15 दिनों से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना था कि नाली जहाँ से पहले कच्ची नाली जा रही थी वहीं से नाली का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दबदबाई तरीके से उस नाली को रोड में बना दिया गया और रोड का चौड़ीकरण कम हो गया। मामले को लेकर के आज उप विकास आयुक्त ने बैठक बुलाया था, इस बैठक में सारे अधिकारी थे, लेकिन उसमें एक अन्य व्यक्ति जो कि ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई पंचायत प्रतिनिधि है, ना लाभुक समिति में है, लेकिन वो इस बैठक में आकर के बैठा, जिसका मैंने विरोध भी किया, क्योंकि ये बैठक बाहर वालों के लिए नहीं था और वो एक पार्टी विशेष है, वो कांग्रेस पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष है आमिर सोहर। वहीं बैठक में नाले और सड़क निर्माण के मसले का हल निकाला गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि दोनों पक्षों ने इंजीनियर से बात की है और इंजीनियर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वहां गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा। वो एक नाली का हल्का विवाद हुआ था, तो उस विवाद का सॉल्यूशन अभी दोनों पक्षों की तरफ से बैठ के उसका निकाल लिया गया है। इन लोगों का पहले कंप्लेन था कि रोड उससे कमजोर हो रही है, कहा कि सर उससे ज्यादा मजबूती हम लोग दे देंगे, एक साइड से और ढलाई करेंगे, उसको 2-6 इंच हटा के पूरी उस पर से RCC ढलाई हो जाएगी जी, है ना, और उस पर से हम लोग स्लैब ढाल देंगे, तो रोड हमारी जो है मोर देन 10 टन्स लोड लेने में सक्षम हो जाएगी। अभी दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान कर दी है। जमशेदपुर का AMG अस्पताल हमेशा से ही अपने लचर व्यवस्था के कारण सुर्खियों में बना रहता है। अब अस्पताल की विधि व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान उठ रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। अस्पताल में भिलाई पहाड़ी इलाके से इलाज करवाने पहुंचे एक मरीज को अस्पताल ने स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराई। उन्हें परिजन इधर उधर लेकर भटकते रहे, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला। अंततः उन्होंने मरीज को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचे। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बेड की मांग अस्पताल के नर्सों से की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अस्पताल में सभी जगह देख लो, जहां बेड खाली मिले वहीं मरीज को लिटा दो। इसके बाद परिजनों ने बड़े मुश्किल से एक टूटे हुए बेड पर मरीज को सुलाया। मरीज के पांव में चोट है और मरीज चल नहीं सकता था। अब सवाल ये उठता है कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर मरीजों को स्ट्रेचर और बेड उपलब्ध नहीं होंगे तो मरीजों का इलाज कहां होगा? पैर में दर्द है, इसका इंद्रमर्मु डुमरिया, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए बेड देख लीजिए, अपने आप से बोल रहे बेड देख लीजिए, बस सिस्टर लोग पर अपना बेड ले देख लीजिए, बेड जहाँ जब खाली होगा तब बेड में चलाना। तो इधर हम लोग घूमते घूमते आए तो देखे तो इधर एक तो बेड खाली है, इसलिए यहाँ ले। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के कालिंदी पाड़ा की रहने वाली एक नव विवाहिता नंदिनी कालिंदी ने अपने ससुराल में मिट्टी तेल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नंदिनी का अपने पति शिवम कालिंदी के साथ खाने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद नंदिनी ने पूरे शरीर में मिट्टी तेल छिड़क लिया और खुद को आग के हवाले कर दिया। आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां स्थिति बिगड़ते देख MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो महिला 85% जल चुकी है और स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई है नरसिंहगढ़ कालिंदी पाड़ा का, जो 85% लगभग बर्न है, 6 मंथ प्रेगनेंसी है, हालत कंडीशन ख़राब है उसका, ड्रेसिंग करके और उसको MGM तुरंत रेफर किया। वो मिट्टी का तेल अपने ऊपर बता रही है, मिट्टी का तेल डाल के। जमशेदपुर के नमन संस्था द्वारा आगामी 23 मार्च को जमशेदपुर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। विगत कई वर्षों से लगातार नमन संस्था के द्वारा तिरंगा यात्रा को निकालकर लोगों में अपने शहीदों के प्रति सम्मान एवं सद्भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। ये यात्रा गोलमोरी मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस मैदान पहुंचकर समाप्त होगी। इसके बाद एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक संस्था के द्वारा आयोजित की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि 23 मार्च को देश के वीर सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाई थी और इन वीर सपूतों ने देश की आजादी की खातिर हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। उनको याद करते हुए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी महीने की 23 तारीख जिस दिन हमारे भारत के 3 वीर सपूत शहीद हुए थे, उनकी याद में
नमन संस्था द्वारा अखंड तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें हम लोग अपनी गरिमामय उपस्थिति और भारत माता की जय वंदे मातरम के नारों के साथ उपस्थित होकर पूरे भारत में एक संदेश देंगे कि भारत विरोधी ताकतें जो भारत के विरोध में काम करते हैं उनको एक संदेश जाए कि ना हम लाखों एक हैं और एक तिरंगे के नीचे हर धर्म हर संप्रदाय के लोग एक शांतिपूर्ण और गरिमामयी यात्रा निकालेंगे अपने वीर शहीदों के नाम, अपने भारत माता के नाम से। जमशेदपुर में कोल्हान स्तरीय रूरल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के तीरंदाज अपनी किस्मत पर निशाने लगाते नजर आए। टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कोल्हान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की खोज के तहत आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2800 से अधिक तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया था, जहां से 120 तीरंदाजों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया, जिनका फाइनल मुकाबला बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि जीआरडी स्पोर्ट्स हेड आशीष कुमार के अलावे पद्मश्री पूर्णिमा महतो एवं खेल विभाग के कई लोग इसमें शामिल हुए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आशीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए टाटा स्टील द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है, जहाँ से हमें कई प्रतिभावान खिलाड़ी प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें हम बेहतर प्रशिक्षण देकर उनकी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा रहे हैं। वहीं उम्दा प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों का चयन टाटा आर्चरी एकेडमी के लिए किया जाएगा। आई थिंक ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी संख्या में करीब लगभग 150 बच्चे और इक्वल नंबर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, और एक ऐसा स्पोर्ट्स जो कि इस जगह की पहचान है आर्चरी तीरंदाजी। करीब 2800 बच्चे थे, उनमें से सिलेक्शन हुआ, जो विनर हुए वो यहाँ पे आए। दूसरा लक्ष्य हो, दूसरा कदम हो वो टाटा आर्चरी एकेडमी में आने का हो, और आप सब लोग जरूर नाम सुने होंगे टाटा आर्चरी एकेडमी का, और यहाँ से जितने भी कैडेट पास में निकले हैं और जो अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके जैसा अगर आप बन सकेंगे तो आप समाज का, अपने देश का नाम विश्व स्तर पे कर सकेंगे। खोज करके लाते हैं और उसके बाद हम लोग को बहुत आसानी मिलती है कि हम लोग उसमें से एकदम जो सबसे योग्य प्रतिभाएँ होती हैं उनको तराशने के लिए वो हमारे पास आए, और फिर हम लोग उनको एकदम इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन बना के देश के सामने पेश कर सकें। जमशेदपुर के टेलको मनीफिट में महिला रोचक समाज समिति की ओर से होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली खेलकर उत्सव का आनंद उठाया। मनीफिट महिला रोचक समाज समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि होली सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है। सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। ये होली का त्योहार सभी जाति धर्म को भुलाकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहाँ सभी महिलाएं रंग गुलाल के साथ होली की शुरुआत कर रही है, ताकि हम सबकी जिंदगी भी रंगीन हो सके। समाज महिला समिति की तरफ से हर वर्ष की बात है, हम लोग इस बार भी बहुत हर्ष के साथ और धूमधाम के साथ होली त्यौहार मना रहे हैं। आप लोग तो सभी जानते हैं होली है तो बस होली है। होली के रंगों में इस तरह उजरे और बिलाल चमन में भी जैसा रंगीन कर देता है, इसी तरह होली का समय बसंत ऋतु में फागुन के महीने में हम लोग जिस तरह संगीत और रंगों के साथ हम लोग होली मनाते हैं, इसी तरह हमारा माहौल भी खुशमिजाज हो जाता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना एवं समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।